एक अजनबी। एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक लड़की बैठी कोई बुक पढ़ रही थी, जिसकी काली गहरी आँखें जिसे उसने चश्मे से ढका हुआ था, वाइट शर्ट, ग्रे जीन्स, सुनहरा रंग, वाइट शूज, लंबे सुनहरे बाल और दिखने में मीडियम सी। कुछ देर वो वहाँ पर एक बुक पढ़कर लाइब्रेरी से बाहर चली जाती है, तो यूनिवर्सिटी बहुत सारी बड़ी थी, वहाँ पर बहुत से बच्चे थे और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो पढ़ाकू टाइप के भी थे और कुछ हिनायत। तुझे क्या हुआ है? वो लड़की कहती है, यार हमारी जॉब पक्की हो गई है और जॉब भी एक बहुत ही बड़ी कंपनी में हुई है। ये सुनकर हिनाया एकदम से बहुत खुश हो जाती है और उस लड़की को कस के गले से लगा लेती है। हिनाया, सभी तुझे पता भी है मैं कितना खुश हूं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर फिर सभी खुश होते हुए कहती है, अरे यार अब हम तो सभी विदेश में जॉब करेंगे। हिनाया यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए कहती है कि विदेश? हाँ, हमने गलती से विदेश वाली जॉब का इंट्रोडक्शन जो दे दिया था पगली। हिनाया को यहाँ पर बहुत ही बड़ा शौक लगता है। क्या? हाँ, और हमारी जॉब भी लग गई है। शिवी कहती है कि हाँ, वो भी तेरी वजह से, तू हमेशा हमारे साथ रहती है। I love you, my dear friend। इतना कहकर शिवी उसके गले लग जाती है। शिवी और हिना और शायना की जॉब भी लगी हुई है और हम सभी को जॉब अलग अलग लगी है। हिनाया कहती है कि वैसे जॉब लगी कहाँ है? तभी शिवी कहती है कि पगली लंदन में जॉब लगी है। हिनाया कहती है कि पर क्या हमारे घर वाले हमें जाने भी देंगे? अरे यार वो बाद की बात है, अभी भड़क मत, टेंशन मत ले, चल अभी कैंटीन चल। हिनाया आज बहुत खुश थी, वो जल्दी उठ गई थी और अपनी मम्मी की मदद करवा रही थी। उसकी मम्मी और उसके पापा दोनों जॉब करते हैं। उसके जो पापा थे वह काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं। घर का ज़्यादातर काम हिनाया ही करती है। उसकी दो बहनें और एक भाई भी है। हिनाया की मम्मी जॉब पर चली जाती है और उसके भाई बहन जो होते हैं वह स्कूल चले जाते हैं। और यहीं पर जो हिनाया है वह एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। उसके आधे घंटे के बाद एयरपोर्ट पर हिनाया, शिवी, शिवनन और जिया, जो कि हिनाया की दोस्त हैं, सभी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और आज सभी ने पहली बार प्लेन में बैठने का प्लान बनाया था। यहां पर शिवनन कहती है कि यार मैं तो आ गई पर किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि हमें जाना कहाँ है। यहां पर शिवी कहती है, ये हिनाया और जिया दोनों एक साथ उसे घूर रही हैं। एक तो घर वालों को रो रो कर मनाया है कि जाने दो बाहर जॉब करने को, फिर घर वाले माने हैं और ये अम्मा पूछ रही हैं कि जाना कहाँ है, कमाल की बात है। सिमरन कहती है कि हाँ तो मैं क्या करूं, किसी ने मुझे बताया थोड़ी ना है। शिवी कहती है कि हाँ तो तू क्या ऐसे ही आ गई? शिवरन का जवाब होता कि यार तेरे साथ में जाने में इसलिए ही मुझे मजा नहीं आता, इतनी अकड़ किस बात की है तुझमें। उनकी लड़ाई को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए हिनाया शिवी का और जिया शिवरन का मुंह बंद कर देती है। हिनाया कहती है, यार तुम दोनों को लड़े बिना चैन नहीं आता, जब देखो तब बक 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 लगी रहती है तुम दोनों की। जिया यहाँ पर कहती है कि चल यार अपनी फ्लैट आ गई। हिनाया कहती है हाँ हाँ चल।
फिर चारों प्लेन में और प्लेन सीधा न्यूयॉर्क में। यहाँ से स्टोरी जो है वह न्यूयॉर्क के लिए शुरू होती है। चारों वहां पे उतर जाती हैं। सिबी कहती है, तो गाइस सभी को पता है ना हमारी जॉब अलग अलग लगी है, तो फिर चलें अपने अपने काम पर। सभी एक साथ बोलते कि हाँ चलो। सिबी धीरे से कहती है कि अगर किसी को कुछ पता चले तो लीडर को इन्फॉर्म कर देना। तो सभी इशारे में एक दूसरे को हाँ कह देते हैं। यहाँ पर सभी का इंटर MI कंपनी में होता है, न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी कंपनी। जिसे यहाँ खड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, वो कंपनी अब यहाँ के हर एक शख्स के दिलों को छू गई है और यहाँ के डिजाइन तो हर किसी को ही पसंद आते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग डिजाइन, हाउस डिजाइन प्लान होती हैं और भी बहुत कुछ। इस कंपनी के यहाँ पर बहुत से क्लब भी हैं। इसी कंपनी के एक ऑफिस एक बार एक मैनेजर आती है और डॉक नॉक करता है। अंदर से कमिन की आवाज आती है तो वह अंदर जाता है। अंदर एक लड़की जिसकी उम्र फिलहाल 17 से 18 साल हो, वहां पर लैपटॉप में कुछ डिजाइन देख रही थी। इतनी सी उम्र में ही वो इस कंपनी की CEO है। 15 साल की उम्र में ही इंडिया से न्यूयॉर्क आ गई थी अपने मॉम और डैड के साथ। तभी मैनेजर कहता है, मैम 1 घंटे के बाद हमारी मीटिंग है और KKR कंपनी में। लड़की कहती है कि ओके। इतना कहना हुआ और वो लड़की ऑफिस से बाहर की तरफ चली जाती है। नीचे आते ही सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। लड़के क्या लड़की तक उसे घूर रहे थे। भाई अब अगर इतना सुंदर लड़की सामने आए तो सभी का यही हाल होना है। पर उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और फिर कंपनी के बाहर चली जाती है। उसे अपने पूछे गौर बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए वो बाहर भी अकेला रहना ही पसंद करती है, अपनी अलग ही दुनिया में मगन। और ये जो लड़की जिसका जिक्र यहाँ पर किया है, इसका नाम है आशा सिंघानिया और इसकी उम्र है 18 साल और ये एक बिजनेस वूमेन है। तो दोस्तों ये एक पार्ट हो गया, इसका लास्ट पार्ट मैं आगे की वीडियो में डालूंगा।